बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज रमज़ान का जो है ना दूसरा रोज़ा मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और आज की दूसरी सहरी मुबारक आप सबको। और मेरी तरफ़ से आज जो है ना आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और अल्लाह पाक से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुमा आमीन। जहाँ भी रहो खुश रहो, साथ साथ मुझे भी दुआ में शामिल कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको जो है ना नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, तरावियाँ रोज़ा जो भी है अल्लाह पाक आप सबको जो भी इबादत करनी हो अल्लाह पाक आप सबको जो है ना करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक की तलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। साथ साथ मुझे भी दुआ में शामिल कीजिए। आ जाए तो फिर जो है ना सहरी की रूटीन शेयर कर दें आप लोगों के साथ। जो है ना यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। तो जी सीन कुछ यूँ है कि आज बनाएंगे आलू के पराठे, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये मैंने आलू तकरीबन चार जो है ना मैंने आलू बॉयल कर दिए थे पहले, तकरीबन रात को ही मैंने बॉयल कर दिए थे आलू। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने आलू बॉयल किए थे। अभी टाइम हुआ रहा है तकरीबन 3, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसमें जो है ना मैंने सारे जो है ना मैश कर लिए थे। अभी इसमें मसाले ऐड करने हैं। जितने भी आप लोग जो है ना सहरी में स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप लोग की मर्ज़ी है, मैं स्पाइसी थोड़ा सा इसको कम करूँगा क्योंकि सहरी का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, तो ऐसे नहीं खाया जाता। तो आज फरमाइश के मुताबिक जो है ना हम बनाएंगे। और इसके साथ जो है ना एक अच्छी और प्यारी सी दही, और इसके साथ दही शामिल करेंगे। तो चले झटपट से ये बना लेते हैं, आपसे मिलते हैं। पहले मसालों की क्वांटिटी इसमें शामिल करेंगे, इसको बनाएंगे, हर चीज़ है इसमें भर भर के डालेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो चले मसालों की क्वांटिटी इसमें डालते हैं। मसालों की क्वांटिटी देखिए इतनी है, ये हल्दी है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है जो है ना गरम मसाला है, और ये नमक है हसबे ज़रूरत, और ये है कसूरी मेथी, और ये है धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च। और लाल मिर्च पाउडर हमने स्किप कर दिया है क्योंकि जो है ना सहरी है, सहरी का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, तो सीने में जलन होती है, तो इनकी वजह से मैं वो दोनों चीज़ें नहीं डालूँगा। अगर आपको स्पाइसी करना है, स्पाइसी खाना है, तो आप खा सकते हो। सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी चीज़ें इसमें मिस हो गई है। एक हाथ से मोबाइल जो है ना पकड़ना हो पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा माइंड मन कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी मोबाइल भी हिलती रहती है, इनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, तो माजरत करता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है ना बैटर बना लेते हैं। समझ लो कि जो है ना इसमें थोड़े से मैंने हाफ डाले हैं मसाले, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना मैं इसको लाइट ही रखूँगा, इतना मैं इसको स्पाइसी नहीं करूँगा। जैसे आप लोग देख सकते हो इसे ही लाइट करना है हमको। मैंने रोटी जो है ना ये बेल ली है, और दूसरी ये वाली मैंने रोटी बेल ली है, तो इसको थोड़ा सा मैंने डस्ट कर दिया है ताकि इसमें चिपड़े ना। तो अभी जो है ना इसमें थोड़ा सा लगाते हैं बैटर। अब इसको जो है ना थोड़ा सा प्रेस करके आप लोगों को दिखाएंगे कितनी क्वांटिटी से मैंने इसको डाल दिया है। और बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के, ताकि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी वीडियो बनाते हैं, और इतना व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे आएँ, आप लोग देखें। मेहनत करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो। व्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है।
तो चले इसको जो है ना अभी तवे पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके आप लोगों को दिखाएंगे, बस ऐसे ही बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी तवे पे भी पराठा आ गया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बन गया वहाँ। चलो जब उतारेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है जी। आप लोग देख सकते हो मैंने तवे पे जो है ना आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल की है, आप लोग देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो मेरे जो है ना पराठे रेडी है बनके। अगर अच्छी लगी प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। ये अभी टाइम है रोजे का,